कंजूस राजू एक कटोरी लेके घर से बाहर आता है। उसकी पत्नी सुजाता वो कटोरी देख के, ये कटोरी क्यों जी? तू मुझे मार्केट को जाओ बोली ना सुजाता। मार्केट को क्या कोई कटोरी लेके जाते हैं? मैं लेके जाऊंगा सुजाता, सारे सब्जियां थैली में डालने से वो थैली फट जाएगी, तब नया थैली खरीदना पड़ेगा। पुराना थैली खराब करना और नया थैली खरीदना, ये सब क्यों? ऐसे कह के कंजूस राजू वो कटोरी लेके रास्ते से आगे जाते समय शहर जा रहे गोपी दिखाई देता है। अरे राजू, इस समय वो कटोरी लेके कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं गोपी, मेरी कंजूसी के बारे में जानते हुए भी मेरी पत्नी सुजाता को आज सांबार खाने की इच्छा हुई। वो मुझे मार्केट को जाके ताजा कद्दू 1, 2 खीरे और 3 मूली लाने को बोली। तो मार्केट को जाने का रास्ता इधर से नहीं ना, उधर से है ना? वो मुझे मालूम है गोपी। मालूम है तो इधर से क्यों जा रहे हो राजू? क्योंकि इस तरफ ज्यादा घर है ना? राजू का जवाब सुन के गोपी असमंजस में पड़ के सिर खुजलाने लगा। अरे इतना खुजलना मत गोपी, सर दर्द होने लगेगा। ऐसे राजू कहने पर गोपी हाथ नीचे कर लेता है। वो सब छोड़ गोपी, आज तेरे घर में क्या पकाए? मेरी बीवी मेरे लिए टमाटर का रस बनाई राजू, आज मैं पेट भर पूरा खा लिया। अरे गोपी, टमाटर का रस मुझे क्यों? मुझे तो बस बचे रहे टमाटर चाहिए। मतलब अभी तुम? हाँ गोपी, अभी मैं ये कटोरी लेके घर घर जाकर बचे रहे सब्जियां मांगने जा रहा हूँ। ऐसे कहते ही गोपी नीचे गिर के खड़खड़ाने लगा। उसे देख के राजू हंसते हुए आगे जाने लगा। एक गली में एक घर के बाहर बड़े कटोरी में कटी हुई सब्जियां खा रही गाय राजू को देखकर घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये इधर क्यों आ रहा है? वो अभी ये कटी हुई सब्जियां देखने से मुझे यहाँ से भगा के ये कटी हुई सब्जियों की कटोरी ले जाएगा। इसके हाथ में ही लगना है और सब्जियों की कटोरी को भी बचाना है। मैं तो भाग चली। ऐसे गाय सोचकर उस सब्जियों की कटोरी मुंह से पकड़ के वहाँ से चली जाती है। राजू उसे देख के, गो माता मैं तुझे देख लिया। उसकी बात सुन के गाय कटोरी लेके जल्दी जल्दी भागने लगी। राजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। गो माता मेरी बात सुनो, मेरी पत्नी सुजाता सांबार बनाने के लिए कद्दू खीरा और मूली पूछी, सिर्फ वो सब्जियां लेके, बाकी मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा गो माता, मेरा यकीन करो। ऐसे मनाने लगा। उसकी बात सुन के गाय ने, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कंजूस राजू। गाय भागने लगी। राजू गाय के पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन सुजाता घर के बाहर उदास से, शादी होके 3 साल हो गए, अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई कह के गांव वालों के साथ साथ माँ भी पूछ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पर ये तो उनकी कंजूसी इसमें भी दिखा रहे हैं। छूने से बेहोश हो रहे हैं और पास आते ही पेट दर्द कहते हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे उदास होते समय वहां से गुजर रही कमला उदास बैठी सुजाता को देखकर उसके पास जाती है। अरे सुजाता क्यों उदास लग रही है? माँ नहीं बनी ना, इसीलिए उदास हूँ कमला। चिंता मत करो सुजाता, थोड़ा इंतजार कर। हमारे गांव को एक स्वामी जी आए, हमारी इच्छा पूरा होने के लिए उस स्वामी को हमारे घर बुलाकर उन्हें पेट भर स्वादिष्ट खाना खिलाना है। कमला की बातें सुजाता ध्यान से सुनने लगी। वो स्वामी हमारी इच्छा जान के आशीर्वाद देंगे सुजाता, वो जरूर पूरा होगा। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रही हूँ और 1 घंटे में वो मेरे घर आने वाले हैं। ऐसे कमला खुशी से कह के वो चली जाती है। सुजाता उस स्वामी के बारे में सोचते समय राजू बाहर से घर आता है। सुजाता क्या सोच रही हो? देखिए कह रहे थे
गांव में हिमालयों से कोई स्वामी आए हैं। हाँ सुजाता, आते समय मैंने भी सुना है। कहते हैं वो बहुत महान स्वामी हैं, से हमारे बच्चे होने की कामना करेंगे जी। उनसे कामना करने के लिए उस स्वामी को हमारे घर बुलाना है। तो जल्दी से जाके बुलाइए ना। उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने से बहुत पैसे खर्चा होंगे। मेरे लिए करना है जी। तू मेरे बारे में जानती है ना, खर्चे की बात सुनते ही मेरे हाथ पैर हिल जाए। आपके हाथ पैर हिले या बेहोश होके गिर जाए, पर उस स्वामी को बुलाना ही है, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। आप अभी जाके कल उन्हें हमारे घर खाने पर बुलाइए। ऐसे कह के वो अंदर चली जाती है। कंजूस राजू स्वामी जी को घर बुलाने से खर्चे के बारे में और उससे बच निकलने का रास्ता सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक सुपर आइडिया आता है। हाँ, इस आइडिया से खर्चा नहीं होगा और सुजाता के नजरों में वादा पूरा किए पति की तरह रहूंगा। वो अंदर आता है। घर में उदास बैठी सुजाता के पास वो आकर, सुजाता मैं तेरे लिए स्वामी जी को हमारे घर बुलाऊंगा ना। ऐसे कहते ही सुजाता बहुत खुश होती है। अगले दिन स्वामी को लेके राजू घर आता है। सुजाता स्वामी जी को देखकर खुशी से प्रणाम करती है। स्वामी जी उनके घर स्टूल पर बैठते हैं। सुजाता, स्वामी जी हमारे घर आए ना, तो उन्हें पेट भर खाना खिलाओ, जाके वो काम देख। ठीक है जी। राजू की बात सुनके सुजाता खुशी से अंदर जाते समय, रुक जा सुजाता, अभी के अभी तू नहा के दुकान को जाकर स्वामी जी के लिए दाल चावल और तेल के साथ साथ बाकी सामान खरीद के लाकर खाना बनाने तक बहुत देर हो जाएगा। तब तक हम स्वामी जी को भूखे नहीं रख सकते, क्या कहेंगे स्वामी? हाँ बेटा, चिंता मत करो, घर में फल है तो दे दो, मेरे लिए वो भी ठीक है बेटा। ठीक है स्वामी। रुक जा सुजाता, जल्दबाजी क्यों? घर में रहे फल स्वामी जी को कैसे रखोगी? वो हम झूठे कर दिए ना। एक काम कर, मार्केट को जाके अलग अलग फल एक एक किलो लेके आना, ठीक है ना? ऐसे राजू कहते ही स्वामी खुश होते हैं। राजू स्वामी को देखता है। सुजाता वहाँ से जाते समय, रुक जा सुजाता, अभी तुझे नहाना है, तैयार होना है और थैली लेके ऑटो में मार्केट को जाना है। वहाँ ताजे फल के लिए पूरा घूमना है, तू थक जाएगी और यहाँ स्वामी जी राह देखते रहेंगे। ऐसे करना ठीक नहीं है सुजाता। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सुजाता बेटी, मुझे स्वादिष्ट खाना नहीं चाहिए और फल भी नहीं चाहिए। पर आपको ऐसे खाली पेट कैसे रख सकते हैं स्वामी? देखो बेटी, अभी तुम्हारे घर में जो भी है वही ला, मैं उससे पेट भर लूंगा। ऐसे कहते ही राजू अंदर जाकर एक बड़ा ग्लास भर पानी लाके स्वामी को देता है। स्वामी, अभी हमारे घर में सिर्फ पानी ही है, इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। ऐसे कहते ही राजू की कंजूसी जानकर स्वामी जी वो पानी पी के, सुजाता बेटी बहुत जल्द तू सबको खुशखबरी सुनाएगी। ऐसे कहते ही सुजाता खुश होकर प्रणाम करती है। राजू, जिस चीज को तुम शाश्वत समझ रहे हो वो बहुत जल्द तुम खर्चा करोगे। ऐसे कह के स्वामी जी चले जाते हैं। आप इतने कंजूस हो क्या जी, आपकी कंजूसी की दात देनी चाहिए। ऐसे सुजाता कहती है। थोड़े दिनों बाद सुजाता माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। जैसे स्वामी जी बोले वैसा मेरा खर्चा शुरू हुआ। कंजूस राजू सर पकड़ लेता है। तलकोना जंगल के इलाके में सांबा और गौरी नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। सांबा अपनी पत्नी का पोषण करने के लिए मार्केट में लकड़ियां बेचता था। एक दिन सांबा हर बार की तरह जंगल से लकड़ियां लाने के लिए उसकी बैलगाड़ी और कुल्हाड़ी लेके जाने लगा। तब गौरी ऐसे कहने लगी, ये लीजिए आपका खाना, जंगल को संभाल के जाइए जी। ऐसे कह के गौरी के दिए टिफिन को सांबा बैलगाड़ी पर रख के निराशा से ऐसे कहने लगा, कैसी जिंदगी है गौरी, बहुत मेहनत से लकड़ियां काट के मार्केट में बेचने पर भी हर रोज 10 अने से ज्यादा नहीं मिल रहे,
व्यापार में लाभ न आने पर आप चिंता मत कीजिए जी। आज हमारा व्यापार बहुत कम हो सकता है, पर भविष्य में हमें जरूर लाभ होगा जी। तब तक लालच पर ना जाकर ईमानदारी से मेहनत करना है। ऐसे सांबा को समझाकर उसे खुशी खुशी भेजती है। सांबा जंगल को लकड़ियां काटने जाके एक पेड़ के नीचे उसकी बैलगाड़ी रोक के उसके कुल्हाड़ी से पेड़ को काट के लकड़ियों में बदल कर रस्सी से बांधता है। सांबा लकड़ियां काट के बहुत थक कर उसके टिफिन को खाकर उसके बैलों को घास रख के थोड़ी देर आराम करने को सोचता है। मार्केट में शॉप्स खोलते समय सांबा लकड़ियों को बैलगाड़ी में चढ़ा के गाड़ी लेके सीधा मार्केट को जाता है। उसके बाद मार्केट में लकड़ियां 10 अने में बेच के अंधेरा होने के बाद घर आ जाता है। इस तरह सांबा हर रोज 10 अने कमाकर उसकी पत्नी को देता है। थोड़े दिन बीतने के बाद हर रोज की तरह एक दिन जंगल को लकड़ियां काटने जाते समय एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देती है। उस पेड़ को देखकर वो अपने आप में ऐसे सोचने लगा, ये क्या, इतना बड़ा पेड़ इतने दिन में देखा ही नहीं। इस पेड़ के डाल तो बहुत ही मजबूत लग रहे हैं। इन डालों को काट के लकड़ियों में बदल कर मार्केट में बेचने से बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसे सांबा सोचकर उसके हाथ में रही कुल्हाड़ी लेके पेड़ की डाल पर जोर से मारता है। तब अचानक से पेड़ ऐसे बात करने लगी, बाप रे, देखो सांबा, मेरे डालों को मत काटो, किसी और पेड़ को काटो सांबा। ऐसे पेड़ बातें करने पर सांबा आश्चर्य होकर ऐसे जवाब देने लगा, ये कैसी अजीब हास्ता है, बोलने वाले पेड़ भी रहते हैं क्या? तू कौन है मुझे रोकने के लिए? ये तो मेरा पेशा है। अभी मैं तेरी बात सुनकर दूसरे पेड़ को काटने से मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पेड़ हर रोज की तरह 10 आने ही मिलेंगे। ऐसे सांबा कह के वो दोबारा मारता है। तब वो पेड़ ने, बाप रे, सुनो सांबा, मेरे पेड़ दोस्तों से बात करके मैं तुम्हें स्वादिष्ट फल दिलाऊंगी, लेकिन तुम दूसरा पेड़ काटो सांबा, मुझे छोड़ दो। लगता है तुम बहुत होशियार हो पेड़, इसीलिए इतने दिन तुझे कोई भी नहीं काटे। मुझे तेरे स्वादिष्ट फल नहीं चाहिए। ऐसे कह के सांबा फिर से पेड़ को मारता है। तब उस पेड़ ने, हाय रे दैया, सुनो सांबा, लगता है तुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक सुनहरी कुल्हाड़ी देती हूँ, वो लेकर सांबा मुझे छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। ऐसे पेड़ सुनहरी कुल्हाड़ी कहने पर सांबा के मन में लालच पैदा होती है, उससे वो पेड़ काटना बंद कर देता है। तू इतना कहने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे जल्दी से सुनहरी कुल्हाड़ी दो। हाँ हाँ सांबा, मैं जरूर देती हूँ, लेकिन सुनो, पहले तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझे देना होगा। ऐसे पेड़ कहने पर सांबा आगे पीछे सोचे बिना ही उसके कुल्हाड़ी को दे देता है। तब पेड़ उसके कुल्हाड़ी को लेके उसे सुनहरी कुल्हाड़ी देती है। तब सांबा जल्दी से उस सुनहरी कुल्हाड़ी को बैलगाड़ी में रख के मार्केट को जाने लगा। सांबा मार्केट को जाकर सुनहरी कुल्हाड़ी को बेचने एक सेठ के पास जाता है। तब वो सेठ सुनहरी कुल्हाड़ी को देख के, तुम लकड़ियां बेचने वाले सांबा हो ना? हाँ सेठ जी, ये सुनहरी कुल्हाड़ी लेके मुझे पैसे दीजिए। सांबा, ये कुल्हाड़ी तुम्हें कहाँ मिली? ऐसे सेठ पूछने पर सांबा मन में ऐसे सोचने लगा, अभी सेठ को सच बताने से वो भी जंगल में रही उस अजीब पेड़ के पास जाकर उसे धमका के और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेगा, इसीलिए मैं सेठ को सच नहीं बताऊंगा। ऐसे सांबा मन में सोचता है, पर सेठ से, ये तो मुझे मेरे बगीचे में मिला सेठ, आज सुबह मेरी पत्नी पौधे लगाने के लिए खोद रही थी तब मिला। चुप रे चोर साले, मैं तुझे कैसे दिखाई दे रहा हूँ रे? सोने से हर कोई नेकलेसेस और चूड़ियां बनाते हैं रे, ऐसे कुल्हाड़ी नहीं। तेरे बगीचे में सुनहरी कुल्हाड़ी मिलने के लिए तेरा घर क्या कोई प्राचीन इमारत है? पीतल से बने चीजों को सुनहरे पेंट डाल के लाए हो?
मैं गांव वालों को तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगा रे। ऐसे सेठ गुस्से से बात करने पर सांबा को डर लग के सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। उसे देख के एक आदमी सांबा को रोक कर पूरा विषय जानकर ऐसे बातें करने लगा। देखो सांबा, उस सेठ को तो इसकी कीमत ही नहीं मालूम। अगर तुम मुझे 100 अणे देने से, मैं तुम्हें इसे खरीदने वाले व्यक्ति से मिलाऊंगा। बाप रे, 100 अणे? उतने पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो तेरी बैलगाड़ी है ना, वो मुझे दे दो। मैं पैसों के बदले वो गाड़ी लेकर उसके ऊपर पास गांव को जाकर तेरी कुल्हाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति को लाऊंगा। ऐसे वो व्यक्ति सांबा को भरोसा दिलाकर उसके बैलगाड़ी को लेके चला जाता है। उसके बाद सुनहरी कुल्हाड़ी लेके सांबा उसकी पत्नी से सच कहना ठीक नहीं है सोचकर घर के पिछवाड़े में सुनहरी कुल्हाड़ी को खोद के छुपा देता है। अगले दिन से सांबा काम पर नहीं जाता और उस व्यक्ति के लिए राह देखने लगा। सांबा काम बंद करके घर में बैठे रहना और थोड़े दिनों से बैलगाड़ी और कुल्हाड़ी दिखाई नहीं देने पर एक दिन गौरी सांबा से जोर से पूछती है। तब सांबा गौरी से पूरा विषय बताकर पिछवाड़ी में रहे सुनहरी कुल्हाड़ी को दिखाता है। तब गौरी उस सुनहरी कुल्हाड़ी को लकड़ियां मारने के लिए वो ठीक नहीं है कह के सांबा से ऐसे कहने लगी। ये तो सरासर धोखा है जी, आपकी लालच से तो वो पेड़ और वो व्यक्ति दोनों आपको धोखा दिए। इसीलिए बड़े कहते हैं कि रहे सो में खुश रहना है जी, वरना ऐसे ही लालच पर जाने से पूरा मिट जाएगा। ऐसे गौरी उसके पति को धोखा के बारे में विवरण देकर उसके साथ मायके के घर ले जाकर सांबा को वहाँ कूली का काम पर रखती है।